अच्छा आया साहब। शिरानवर और ओचा केक्षव्रत जारीपा। बंदूक की गोली की आवाज सुनते ही बैंड मास्टर यही लाइन दोहराता है चुतना। ये लाइन उसे कैसे याद रह गई? दिमाग खराब होने से पहले अगर उसके दिमाग में ये लाइन अटकी है तो इसका मतलब क्या हो चुतना? शिरानवर रावण का एक नाम, ओरोचा केक्षव्रत जारीपा, ये तो संस्कृत का श्लोक लग रहा है। ओरोचा केक्षव्रत जारीपा, वृत्त जारीपा। साफ केक्ष मतलब छोटा सा, वृत्त मतलब गोला, मतलब सर्कल साहब। शिरान और ओरोचा केक्षव्रत जारीपा मतलब पता है? ठीक से याद करो, कहीं तुम्हारे किसी नाटक में तो ये लाइन नहीं आती? ऐसी लाइन तो नहीं है। तुमको हर नाटक की हर लाइन याद है क्या? क्या बोलते हो साहब, नींद से भी उठाकर पूछो फिर भी एक एक लाइन सुना देंगे आपको। गहरी नींद से भी जगा कर पूछो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो। उल्टा सुनाना हो तो? हम लोग तो नहीं श्री हरि। हाँ, पुरानी नाटक मंडली जो थी वो उल्टा याद भी रखती थी और सुना भी सकती थी। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि। नाटक है समुद्र मंथन, सीन 36। समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकलता है और इंद्र उसे नंदन वन में लगा देते हैं। सूर्यास्त होने पर पारिजात वृक्ष पर फूल खिलते हैं और उजाला चारों तरफ फैल जाता है। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि रोशन हो जाती है। ये लाइन तो नाटक में है श्री हरि। आखिरी नाटक के बारे में बताया था ना श्री हरि, यही है वो समुद्र मंथन। आखिरी नाटक, आखिरी लूट, लगता है छुपाए हुए लूट और पारिजात के पेड़ में कुछ तो कनेक्शन है चुतना। उस लूट तक पहुंचने के लिए नक्शा नहीं बनाया उन्होंने, उसका सुराग आखिरी नाटक में छोड़ गए। अच्युतना, अगर हमें पारिजात के पेड़ को ढूंढना है तो इनका आखिरी नाटक देखना पड़ेगा। साहब अब बस ये सब छोड़िए, कब तक इन बेचारों की परीक्षा लेंगे आप? मान क्यों नहीं जाते कि आप ही श्री हरि हैं? मान तो जाऊं अच्युतना, लेकिन भविष्यवाणी का दूसरा भाग भी तो पूरा करना है श्री हरि। एग्जैक्टली, उसे भी तो पूरा करना है। क्या है वो? क्या है वो? और का लक्ष्मी के बिना श्री हरि अधूरे हैं। श्री हरि तुम्हारे कष्टों को तभी दूर कर पाएंगे जब होगा श्री हरि लक्ष्मी का मिलन। कौन लक्ष्मी?